हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज डॉक्टर अमित जुनेजा, लेक्चरर इकोनॉमिक्स, शहीद बलविंदर सिंह गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्मार्ट स्कूल साबुआना डिस्ट्रिक्ट फाजिलका। सो आई वेलकम यू ऑल इन दिस लेक्चर ऑफ इकोनॉमिक्स। सो टुडे वी डिस्कस अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ इकोनॉमिक्स, दैट इज व्हाई द डिमांड कर्व स्लोप्स डाउनवर्ड। जब आपसे एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आपसे दो तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। पहला, आपको क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाई डिमांड कर्व स्लोप्स डाउनवर्ड, मतलब जो डिमांड कर्व है उसकी स्लोप डाउनवर्ड क्यों होती है। अगर हम इस बात का आंसर देना चाहते हैं तो पहले तो ये सोचिए हम क्या कहना चाह रहे हैं। हम ये कहना चाह रहे हैं कि डिमांड कर्व की स्लोप डाउनवर्ड स्लोपिंग क्यों होती है। मतलब अब डिमांड कर्व की अगर स्लोप डाउनवर्ड है तो इसका मतलब क्या है। इसका मतलब ये है कि सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, हमें एक डिमांड कर्व जो है वो बनानी पड़ेगी। अब हमें डिमांड कर्व बनानी है तो इधर क्या लेंगे, डिमांड लेंगे, ठीक है, और इधर क्या लेते हैं, प्राइस लेते हैं। हम ऑलरेडी डिमांड कर्व बनाना सीख चुके हैं, जिसके अंदर हमने इंडिविजुअल डिमांड कर्व बनाई थी और मार्केट डिमांड कर्व बनाई थी, ठीक हो गया। तो उसके अंदर हमने क्या कहा था, हमने कहा था कि अगर हमने डिमांड कर्व बनानी है तो उससे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, एक डिमांड शेड्यूल जो है वो बनाना पड़ेगा। तो मैं क्या करता हूं, एक इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल बना लेता हूं। अगर आपको इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल याद हो तो मैंने कहा था अगर प्राइस 5 रुपीज है तो डिमांड 1 है, प्राइस 4 हुआ डिमांड 2 हुई, प्राइस 3 हुआ डिमांड 3 हुई, प्राइस 2 हुआ डिमांड 4 हुई, प्राइस 1 हुआ डिमांड 5 हुई। तो ये हमने एक इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल जो है वो बना लिया। अब इसी के बेसिस पे हम क्या करते हैं, एक डिमांड कर्व जो है वो बना लेते हैं। लेट इट बी कि यहां पे हम डिमांड ले लेते हैं 1, 2, 3, 4 एंड 5, यहां पे प्राइस ले लेते हैं 1, 2, 3, 4, 5, तो ये आ गया यहां पे प्राइस, ठीक हो गया। अब सोचिए प्राइस 5 रुपीज है तो डिमांड 1 है, तो प्राइस 5 लेना है तो डिमांड कितनी लेनी है, 1, तो हम इस ए पॉइंट पे आ गए। प्राइस 4 है डिमांड 2 है, तो प्राइस 4 लेना है डिमांड 2 लेनी है, तो हम इस बी पॉइंट पे आ गए। प्राइस 3 डिमांड 3, तो प्राइस 3 लेना है डिमांड 3 लेनी है, तो हम इस सी पॉइंट पे आ गए। प्राइस 2 डिमांड 4, हमें प्राइस 2 लेना है डिमांड 4 लेनी है, तो हम इस डी पॉइंट पे आ गए। प्राइस 1 डिमांड 5, हमने प्राइस 1 लेना है और डिमांड 5 लेनी है, तो हम इस ई पॉइंट पे आ गए। अगर हमने इस ए बी सी डी ई को मिला दिया तो ये आपकी बन गई डी डी, विच इज योर डिमांड कर्व, ठीक हो गया। अगर आप चेक कर रहे हैं तो ये डिमांड कर्व जो है वो क्या है, वो डाउनवर्ड स्लोपिंग है। हमने इसी बात का इस क्वेश्चन के अंदर आंसर देना है कि जो डिमांड कर्व है वो डाउनवर्ड स्लोपिंग क्यों होती है। मतलब आप पहले तो ये सोचो कि ये डाउनवर्ड स्लोपिंग बनी क्यों, ये अपवर्ड स्लोपिंग क्यों नहीं बनी। ये डाउनवर्ड स्लोपिंग इसलिए बनी क्योंकि जब मैंने प्राइस 5 रुपीज से कम करके, ठीक है, 4 रुपीज किया तो डिमांड जो है वो 1 से 2 हो गई। मैंने प्राइस को 4 से कम करके 3 किया तो डिमांड 2 से बढ़ के 3 हो गई। मैंने प्राइस को 3 से कम करके 2 किया तो डिमांड 3 से बढ़ के 4 हो गई। मैंने प्राइस को 2 से कम करके 1 किया तो डिमांड 4 से बढ़ के 5 हो गई। यानी वो क्या रहा है कि प्राइस जो है वो कम होता जा रहा है और डिमांड जो है वो बढ़ती जा रही है। मतलब प्राइस और डिमांड जो है वो क्या जा रहा है, इनवर्स डायरेक्शन के अंदर जा रहे हैं, तभी डिमांड कर्व जो है वो डाउनवर्ड स्लोपिंग है। अगर ऐसा ना हुआ होता तो क्या पॉसिबिलिटी थी। अगर मैं बोलूं कि मैं यहां पे एक और ऑप्शन ले लेता हूं, यहां पे प्राइस और यहां पे डिमांड, मैं बोलूं कि प्राइस 1 है तो डिमांड 1 है, प्राइस 2 डिमांड 2, प्राइस 3 डिमांड 3,
प्राइस फोर डिमांड फोर प्राइस फाइव डिमांड फाइव ठीक। जैसे जैसे प्राइस बढ़ रहा है तो वैसे वैसे डिमांड बढ़ रही है। अगर हम इसको एक डायग्राम के थ्रू जो है वो दिखाना शुरू करें तो क्या करेंगे, यहाँ पे डिमांड ले लेंगे, यहाँ पे प्राइस ले लेंगे। तो डिमांड हमने ले ली 1 2 3 4 5, इधर हमने प्राइस ले लिया 1 2 3 4 5, तो ये हमने प्राइस ले लिया और डिमांड ले ली। अब चेक करो प्राइस 1 डिमांड 1, तो प्राइस 1 डिमांड 1, तो ए पॉइंट आ गया। प्राइस 2 डिमांड 2, प्राइस 2 डिमांड 2, प्राइस 3 डिमांड 3, ये आ गया सी पॉइंट। प्राइस 4 डिमांड 4, तो ये आ गया डी पॉइंट। प्राइस 5 और डिमांड 5, तो ये आपका आ गया ई पॉइंट। अगर हम इस ए बी सी डी ई को जो है अगर हम मिला दें तो क्या बनेगा, ये आपकी डिमांड पर बन जाएगी डी डी, जो कि क्या है अपवर्ड स्लोपिंग है, जिसके अंदर अभी अपवर्ड स्लोपिंग बनी। क्यों ये अपवर्ड स्लोपिंग इसलिए बनी क्योंकि जब मैंने प्राइस बढ़ाया तो डिमांड बढ़ी, प्राइस बढ़ाया डिमांड बढ़ी, प्राइस बढ़ाया डिमांड बढ़ी, प्राइस बढ़ाया डिमांड बढ़ी। ये तो प्राइस के बढ़ने पे डिमांड बढ़ रही है, ठीक है, तो इसलिए कर्व क्या है अपवर्ड स्लोपिंग है। पर उसने हमसे क्वेश्चन क्या पूछा, उसने ये पूछा कि डिमांड कर्व स्लोप्स डाउनवर्ड क्यों होती है, मतलब प्राइस और डिमांड के बीच में इनवर्स रिलेशन क्यों होता है। मतलब अल्टीमेटली वो हमसे ये पूछना चाहता है कि लॉ ऑफ डिमांड इंप्लीमेंट क्यों होता है, क्योंकि अगर लॉ ऑफ डिमांड इंप्लीमेंट होगा तो उसमें हमने क्या कहा था, देयर इज अ इनवर्स रिलेशन बिटवीन प्राइस एंड डिमांड, प्राइस कम होगा तो डिमांड बढ़ेगी, ठीक है। तो हमने अल्टीमेटली इस क्वेश्चन के अंदर यही चीज प्रूफ करनी है कि डिमांड कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग क्यों है, मतलब लॉ डिमांड इंक्रीमेंट क्यों होता है, क्यों किसी कॉमोडिटी का प्राइस कम होने पे उसकी डिमांड ज्यादा की जाती है। मतलब अब यही क्वेश्चन जो है वो आपको एक तरीके से और भी पूछा जा सकता है, इसमें आपसे पूछा जा सकता है कि व्हाई मोर ऑफ अ गुड इज डिमांडेड व्हेन इट्स प्राइस फॉल्स, ठीक है। अब ऐसे भी आ सकता है, तो दोनों का आंसर जो है वो सेम रहेगा, चाहे तो ये पूछ ले कि डिमांड कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग क्यों होती है, चाहे ये पूछ ले कि किसी भी कमोडिटी का प्राइस कम होने पे उसकी डिमांड ज्यादा क्यों की जाती है, दोनों की सेंस जो है वो सेम है। अल्टीमेटली हमने अपने लॉ डिमांड को जस्टिफाई करना है, हमने लॉ डिमांड के पीछे जो रीजंस हैं वो बताने हैं कि जब लॉ डिमांड इंक्रीमेंट होता है तो उसके पीछे कौन कौन से रीजंस जो हैं वो हुआ करते हैं। तो इसके पीछे जो जो है रीजंस हैं वो टोटल जो है वो 5 रीजंस हैं। पहला रीजन क्या है, वो है वो हम ऑलरेडी अपने पिछले चैप्टर के अंदर कर चुके हैं, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, ठीक है। अब लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी जो है वो क्या है, वो काम करता है इसके करके डिमांड पर क्या होती है डाउनवर्ड स्लोपिंग होती है, मतलब लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी के करके क्या होता है, जो आपका लास्ट डिमांड है वो इंप्लीमेंट होता है। कैसे, अब सोचो जब हमने लॉ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी किया था उसमें हमने यहाँ पे यूनिट्स लिखे थे, क्या पहला यूनिट परचेज कर रहे हैं, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, ठीक। तो अब आपको अब यहाँ पे मिल रही है मार्जिनल यूटिलिटी, पहले यूनिट से आपको 20 मार्जिनल यूटिलिटी मिली, अब अगले से क्या मिलनी है, कम मिलनी है ना, क्योंकि हमने कहा था लॉ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी है। जैसे जैसे आप किसी भी यूनिट कम्युनिटी के एक्स्ट्रा यूनिट्स यूज करेंगे, हर एक अगले यूनिट से आपको पहले से कम मार्जिनल यूटिलिटी जो है वो मिलने वाली है, ये हम ऑलरेडी अपने लास्ट लेक्चर के अंदर बात करके आए हैं। तो अगले से मान लो आपको 18 मार्जिनल यूटिलिटी मिलती है, अगले से 16 मिलती है,
है, अगले से 14 मिलती है और अगले से 12 मिलती है। ठीक है, तो मैं कितनी कम्युनिटीज की बात कर रहा हूँ, एक कम्युनिटी की कौन सी, एक्स कम्युनिटी एक है। तो हमने जब सिंगल कम्युनिटी के अंदर जब हमने इक्विलिब्रियम कंडीशन की थी तो हमने कहा था कि सिंगल कम्युनिटी में कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कहां पे आएगा, व्हेन MUX इज इक्वल टू PX, यानी MUX क्या हो गया कि जो उससे आपको मार्जिनलिटी मिल रही है, PX क्या है प्राइस, यानी अब सोचो कि मैं फर्स्ट यूनिट पे 20 मार्जिनलिटी ले रहा हूं, अगर मुझे इक्विलिब्रियम में होना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, जितनी मार्जिनलिटी मिल रही है प्राइस मुझे उतना ही देना पड़ेगा, तो प्राइस कितना देना पड़ेगा 20। ठीक, अब अगली यूनिट के बदले में भी मैं 20 रुपीस दूं, चेक करो, अब अगली यूनिट से मुझे यूटिलिटी मिल रही है 18, ठीक, तो मैं पैसे दे रहा हूं 20, यानी जितनी यूटिलिटी मिल रही है मैं उससे ज्यादा पैसे दे रहा हूं, तो क्या मैं इक्विलिब्रियम में होऊंगा, मैं कहूंगा मुझे तो नुकसान हो रहा है तो मैं कुछ देता, अगर अगले यूनिट के बदले में मुझे कम यूटिलिटी मिल रही है तो मैं पैसे भी कम ही दूंगा, वो कहेंगे कितने देगा, मैं कहूंगा मैं अपनी इक्विलिब्रियम कंडीशन को फुलफिल करूंगा। मेरी इक्विलिब्रियम कंडीशन ये कहती है कि आपने किसी भी कम्युनिटी के बदले में उतना प्राइस देना है जितनी आपको उससे मार्जिनल यूटिलिटी मिले। अब हर एक अगले यूनिट की जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो क्या हो रही है, कम हो रही है, तो हर एक अगले यूनिट के बदले में मैं पैसे भी कम ही दूंगा, मतलब अगर अगले यूनिट से मुझे 18 मार्जिनलिटी मिलेगी तो मैं अगले के बदले में 20 रुपीज नहीं देने वाला, मैं कहूंगा मुझे क्योंकि यूटिलिटी कम मिल रही है तो मैं पैसे भी कम दूंगा, कितने कम दूंगा, अब चेक करो मार्जिनलिटी कितनी मिली 18, आपने प्राइस भी कितना देना है, जितना उसकी मार्जिनल यूटिलिटी के इक्वल होगा, मार्जिनलिटी 18 है तो प्राइस भी कितना होगा 18 होगा, तो प्राइस यहां पे हो गया 18। अगले से मुझे यूटिलिटी मिली 16, अब सोचो अगर इसके बदले में मैं 18 रुपीस दे दूं, अब यूटिलिटी मिल रही है कम, ठीक है 16, पैसे दे रहा हूं 18, यानी कि पैसे दे रहा हूं ज्यादा, मैं फिर नुकसान में जाऊंगा, मैं क्या कहूंगा, मैं कहूंगा जब मैंने थर्ड यूनिट परचेज किया उससे मुझे यूटिलिटी और कम मिली तो मुझे किसी भी कम्युनिटी के बदले में उतने पैसे देने हैं ताकि मैं इक्विलिब्रियम में आ सकूं, जितनी मुझे उससे मार्जिनलिटी मिलती है। अब इक्विलिब्रियम कंडीशन देखो, MUX इज इक्वल टू PX, MUX कितनी 16, तो PX भी कितना होना चाहिए 16, अगले में MUX कितनी 14, तो PX भी कितना होना चाहिए 14, अगले में MUX कितनी 12, तो PX भी कितना होना चाहिए 12। बड़ी सिंपल सी बात है कि हम हमेशा किसी भी कम्युनिटी के बदले में कितने पैसे देने के लिए रेडी होते हैं, जितनी हमें उससे मार्जिनल यूटिलिटी जो है वो मिल रही होती है, क्योंकि हर एक अगले यूनिट से जो मार्जिनल यूटिलिटी मिलनी है वो पहले से कम मिलनी है, तो हर एक अगले यूनिट के बदले में हम पैसे भी पहले से कम ही देंगे। अगर हम बीच में से ये मार्जिनलिटी वाला कॉलम निकाल दें, अब सोचो कि ये क्या बन गया, ये प्राइस था ना, तो ये प्राइस किसका था, प्राइस ऑफ एक्स, ठीक हो गया। अब ये मैं क्या कर रहा हूं, मैंने कहा पहला यूनिट परचेस किया 20 मार्जिनलिटी मिली 20 प्राइस दे दिया, सेकंड यूनिट परचेस किया 18 मार्जिनलिटी मिली 18 प्राइस दे दिया, थर्ड यूनिट परचेस किया 16 मार्जिनलिटी मिली 16 प्राइस दे दिया, फोर्थ यूनिट परचेस किया 14 मार्जिनलिटी मिली 14 प्राइस दे दिया, फिफ्थ यूनिट परचेस किया 12 मार्जिनलिटी मिली 12 प्राइस दे दिया, फर्स्ट यूनिट परचेस, सेकंड यूनिट परचेस, थर्ड जब मुझे प्राइस पहले से कम देना पड़ेगा, क्यों कम देना पड़ेगा, क्योंकि एवरी नेक्स्ट यूनिट जो मैं डिमांड करूंगा या जो मैं परचेज करूंगा उससे मुझे मार्जिन यूटिलिटी
50 कम मिलेगी तो मैं प्राइस भी कम ही दूंगा, सो दैट आई कैन अचीव द कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। तो अगर मैं इसको फॉलो नहीं करूंगा देन आई एम नॉट अ रैशनल कंज्यूमर, तो इसको तो फॉलो आपको करना ही पड़ेगा। सो आपका जो लाफ डिमांड है इंप्लीमेंट हो रहा है, कैसे? प्राइस जो है वो क्या होता जा रहा है, कम होता जा रहा है, डिमांड जो है वो क्या होती जा रही है, बढ़ती जा रही है। प्राइस कम हो रहा है, डिमांड बढ़ रही है, क्या हुआ? दोनों इनवर्स डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो क्या होगा? आपकी डिमांड का डाउनवर्ड स्लोपिंग भी हो जाएगी। नंबर 2 कहता है व्हाई मोर ऑफ अ गुड इज डिमांडेड व्हेन इट्स प्राइस फॉल। सो रीजन क्या रहेगा कि जब किसी कमोडिटी का प्राइस कम होता है तो ही हम उसकी ज्यादा क्वांटिटी डिमांड करते हैं। क्यों? क्योंकि अगर हमने किसी भी कमोडिटी की ज्यादा क्वांटिटीज परचेज करनी है तो हर एक अगले यूनिट से जो है हमें पहले से कम मार्जिनलिटी मिलेगी, तो हम प्राइस भी पहले से कम ही देंगे। सो दिस इज द बेसिक रीजन फॉर द लॉ ऑफ डिमांड। कौन सा है? लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। मतलब लॉ ऑफ डिमांड के इंप्लीमेंट होने के पीछे पहला रीजन जो काम करता है वो करता है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। ठीक हो गया? इसके करके क्या होता है, जो आपकी डिमांड कर्व है वो डाउनवर्ड स्लोपिंग हो जाती है। नंबर 2 जो है वो है हमारा रियल इनकम इफेक्ट। अब ये जो रियल इनकम इफेक्ट है ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि रियल इनकम जो है वो क्या होती है, जिसके अंदर हमने बात की थी कि जो रियल इनकम है वो क्या है, जितनी भी आपके पास मॉनेटरी इनकम होती है उसकी परचेजिंग पावर, उसको कैसे कैलकुलेट करते हैं? अगर हम मॉनेटरी इनकम को प्राइस के साथ डिवाइड कर देते हैं तो हम ये पता लगा सकते हैं कि हमारी रियल इनकम कितनी है। मतलब जो हमारे हाथ में मॉनेटरी इनकम है, मतलब जो कैश इन हैंड है, वो हमें कितनी चीजें परचेज करके दे सकता है। अब इसको हम कैसे करते हैं, हम ना अज्यूम कर लेते हैं कि जो हमारी मॉनेटरी इनकम है वो फिक्स है। अब मॉनेटरी इनकम जो है वो चेंज नहीं हो रही और वो हमारे पास 100 रुपीज है। ठीक हो गया? अब शुरू में किसी कमोडिटी का प्राइस लिख लेते हैं और उसकी डिमांड लिख लेते हैं। शुरू में सपोज करो कि प्राइस जो है वो 10 रुपीज का है। अब सोचो रियल इनकम कैसे कैलकुलेट करेंगे, मॉनेटरी इनकम हमने 100 सपोज कर ली, प्राइस कितना ले लिया, 10 ले लिया। तो अब सोचो भी आपके हाथ में 100 रुपए है और मार्केट में चीज का प्राइस जो है वो 10 रुपीज है। अब 10 रुपीज की कमोडिटी है, आपके पास 100 रुपीज है, आप कितनी चीजें परचेज करेंगे, 10। तो मैं बोलूंगा कि आपकी जो परचेजिंग पावर है या जो आपकी रियल इनकम है वो कितनी है, 10। जो आपकी रियल इनकम होती है वो आपकी परचेजिंग पावर होती है, आप कितनी चीजें परचेज करेंगे, मतलब कितनी चीजों की डिमांड करेंगे। तो अगर रेट 10 रुपीज है तो आप कितनी डिमांड करेंगे, 10 की डिमांड करेंगे। सोचो आपके पास 100 रुपीज है, 10 रुपए की चीज है, तो आप कितनी डिमांड करेंगे, 10 की डिमांड करेंगे। अब क्या होता है, अगर आपकी मॉनेटरी इनकम उतनी ही रहे, मॉनेटरी इनकम उतनी है, अब चीज का रेट जो है वो कम हो गए, सपोज 5 रुपीज हो गया। अब रेट कितना हो गया, 5 रुपीज। ठीक, अब सोचो अब अगर रेट 5 रुपीज हुआ, आपके पास 100 रुपीज ही है, ठीक है, अब आप उन 100 रुपीज से कितनी चीजें परचेज करेंगे, 20। ठीक, इसका मतलब आपकी परचेजिंग पावर या आपकी डिमांड कितनी हो जाएगी, 20। तो डिमांड हो गई 20। ठीक, अगर सपोज करो आपके पास 100 रुपीज ही है, जो कमोडिटी है वो हो जाती है 20 रुपीज की। अब मैंने प्राइस कितना कर दिया, 20। अब आपके पास 100 रुपए और जो कमोडिटी है वो 20 रुपीज की है, तो आप कितनी चीजें परचेज करेंगे, 5। तो इसका मतलब आपकी डिमांड कितनी रहेगी, 5। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि जब किसी कंज्यूमर की मॉनेटरी इनकम कांस्टेंट रहती है, ये देखो मैंने मॉनेटरी इनकम जो है उसको कांस्टेंट रखा, ठीक है, जब किसी कमोडिटी का प्राइस पहले से कम हो जाता है तो कंज्यूमर की रियल इनकम बढ़ जाती है। रियल इनकम बढ़ेगी तो वो डिमांड ज्यादा करेगा, क्योंकि रियल
इनकम जो है वो उसकी परचेजिंग पावर को दिखाती है। यदि इनकम बढ़ी तो उसने डिमांड क्या कर देना है, बढ़ा देनी है। अगर मॉनेटरी इनकम कांस्टेंट रहे और प्राइस जो है वो बढ़ जाए तो रियल इनकम क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, तो वो डिमांड क्या करेगा, कम करेगा। ठीक है, तो इसको हम रियल इनकम इफेक्ट कहते हैं। यानी क्या हुआ, जब डिमांड कर्व स्लोप्स डाउनवर्ड हुई, क्यों हुई, क्योंकि जब प्राइस कम हुआ, ठीक है, तो क्या होगा, प्राइस कम हुआ रियल इनकम बढ़ी तो डिमांड क्या हो गया, बढ़ गई। प्राइस कम हुआ तो डिमांड बढ़ी, जब प्राइस जो है वो बढ़ गया, ठीक है, तो अगर प्राइस बढ़ा तो रियल इनकम कम हुई तो डिमांड क्या हो गई, कम हो गई। मतलब प्राइस के कम होने पे डिमांड बढ़ रही है, प्राइस के बढ़ने पे डिमांड कम हो रही है। मतलब प्राइस और डिमांड जो है वो इनवर्स डायरेक्शन के अंदर जा रहे हैं, तो इसलिए डिमांड कर्व जो है वो डाउनवर्ड स्लोपिंग जो है वो हो जाएगी। तो सेकंड लॉजिक जो लास्ट डिमांड के पीछे काम करता है वो है रियल इनकम इफेक्ट। यानी जब किसी कमोडिटी का प्राइस चेंज होता है तो कंज्यूमर की रियल इनकम जो है वो भी चेंज हो जाती है। प्राइस के कम होने पे रियल इनकम बढ़ जाती है, मतलब परचेजिंग पावर बढ़ जाती है, मतलब डिमांड बढ़ जाती है। प्राइस बढ़ जाए तो रियल इनकम कम हो जाती है, मतलब परचेजिंग पावर कम हो जाती है, मतलब डिमांड कम हो जाती है। तो प्राइस बढ़ा डिमांड कम, प्राइस कम डिमांड बढ़ा, तो इसलिए भी प्राइस और डिमांड का इनवर्स रिलेशन जो है वो लग गया। सो दिस इज द सेकंड रीजन बिहाइंड द इंप्लीमेंटेशन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड। ठीक, जो थर्ड लॉजिक काम करता है वो होता है सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। हम ये भी ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट क्या होता है। नाम से पकड़िए कि सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट है, तो कौन सी कम्युनिटीज में लगेगा, सब्स्टिट्यूट कम्युनिटीज में लगेगा। यानी ऐसी कम्युनिटीज में लगेगा जो क्या है, जो एक दूसरे की जगह पे हम यूज कर सकते हैं। जैसे हम बहुत सारे एग्जाम्पल ले सकते हैं, कोलगेट क्लोजअप सब्स्टिट्यूट्स हैं, कोलगेट पेप्सोडेंट सब्स्टिट्यूट्स हैं, क्लोजअप पेप्सोडेंट सब्स्टिट्यूट्स हैं, क्लोजअप, ठीक है, थम्स अप, कोक, पेप्सी, फैंटा, लिम्का, मिरिंडा, ठीक है, ये सारे क्या है, सब्स्टिट्यूट्स हैं। तो जब क्या होता है, किसी भी कम्युनिटी का प्राइस कम होता है, ठीक, तो वो कम्युनिटी क्या करती है, अपनी सब्स्टिट्यूट कम्युनिटी के कंपैरेटिवली सस्ती हो जाती है। तो क्या होगा, सपोज करो कि यहां पर हम प्राइस ऑफ कोक जो है वो ले लेते हैं, और यहां पर हम ले लेते हैं डिमांड ऑफ कोक, ठीक है, मतलब अब कोक का प्राइस कितना है और उसकी डिमांड कितनी है। सपोज करो कि शुरू शुरू में कोक का प्राइस जो है वो 20 रुपीस है, ठीक है, और उसके अकॉर्डिंगली कोक की डिमांड जो है वो 100 बॉटल्स पर डे की है, ठीक होगा, ये इनिशियल पोजीशन हमने ले। अब क्या हुआ कि जो कोक वाला था उसने कोक का रेट कम करके कर दिया 10 रुपीस, ठीक। अब क्या होगा, अब कोक का रेट कम हुआ है तो कोक की डिमांड बढ़ेगी। अब कोक की डिमांड दो रीजन के करके बढ़ेगी। अगर मैं तुम्हें कहता हूं कि कोक की डिमांड जो है वो 300 हो गई, ठीक, कोक का प्राइस कम हुआ तो कोक की डिमांड बढ़ी, ठीक हो गया। अब ये जो डिमांड बढ़ी, सोचो पहले 100 थी अब 300 है, तो कितने का डिफरेंस आया डिमांड के अंदर, 200 का। अब ये जो 200 डिमांड बढ़ी है ना, वो दो रीजन करके बढ़ी होगी। पहला रीजन तो ये लगा होगा कि जो कोक के एग्जिस्टिंग कंज्यूमर्स हैं, मतलब जो कोक को प्रेजेंटली यूज कर रहे हैं, उनको लगेगा कि अब क्या करना चाहिए, कोक पहले से सस्ती हो गई है तो हमें कोक ज्यादा खरीद लेनी चाहिए। तो एक तो वो कोक की डिमांड बढ़ाएंगे। मान लो कि जो कोक के प्रेजेंट कंज्यूमर्स थे, ठीक है, वो कितनी डिमांड कर रहे थे, 100, उन्होंने डिमांड ना 50 बढ़ा दी, भी हम 50 कोक जो है वो और परचेज करेंगे। अगर डिमांड 50 बढ़ाई तो डिमांड कितनी होनी चाहिए थी यहाँ पे, 150, पर यहाँ पे कितनी है, 300, इसका मतलब बाकी 150 डिमांड किसने बढ़ाई, बाकी 150 डिमांड बढ़ाई उन लोगों ने जो पहले कोक यूज नहीं कर रहे थे, बल्कि थम्स अप, पेप्सी, मिरिंडा या फेंटा या ऐसी कुछ और चीजें जो है वो यूज कर रहे थे। अब उनको क्या लगा, उनको लगा कि अब कोक हो गई है सस्ती। हालांकि थम्स अप का रेट चेंज नहीं हुआ, पेप्सी का रेट चेंज नहीं हुआ, मिरिंडा का रेट चेंज नहीं हुआ, फैंटा का रेट चेंज नहीं हुआ,
हुआ, ठीक है, ड्यू का रेट चेंज नहीं हुआ, उनका रेट बिल्कुल सेम है, पर क्योंकि कोक सस्ती हो गई है, अब कोक उनके कंपैरेटिवली सस्ती हो गई और वो कोक के कंपैरेटिवली महंगी हो गई। हालांकि उनका रेट चेंज नहीं हुआ है, पर अब वो सारी जो कोल्ड ड्रिंक्स हैं वो कोक के कंपैरेटिवली महंगी हो गई है। तो लोग क्या कहेंगे, लोग कहेंगे कोल्ड ड्रिंक ही पीनी है तो थम्स अप क्यों पीनी, या पेप्सी क्यों पीनी, या मिरिंडा, या लिम्का, या फैंटा, या ड्यू, या स्प्राइट, ये क्यों पीनी, क्योंकि वो मिल रही है 20 रुपीज की, कोक मिल रही है 10 रुपीज की। तो वो लोग क्या करेंगे जो पहले थम्स अप यूज कर रहे थे, पेप्सी यूज कर रहे थे, मिरिंडा, फैंटा, लिम्का, ड्यू या स्प्राइट यूज कर रहे थे, वो उनको छोड़ के कोक परचेज करने शुरू कर देंगे, यानी वो भी कोक की डिमांड क्या करेंगे, बढ़ाएंगे। मतलब कोक की डिमांड एक तो बढ़ाएंगे उसके जो एग्जिस्टिंग कंज्यूमर्स हैं वो, दूसरी कोक की डिमांड वो लोग बढ़ाएंगे जो पहले कोक का सब्स्टिट्यूट यूज कर रहे थे, अब वापस क्या करेंगे, कोक पे आ जाएंगे। तो 150 डिमांड उन्होंने बढ़ा दी, तो 50 जो हैं वो बढ़ाई डिमांड कोक के एग्जिस्टिंग कंज्यूमर्स ने, 150 डिमांड बढ़ाई वो दूसरे जो हमने बोला कि कौन से वाले, थम्स अप वाले या फैंटा वाले या मिरिंडा वाले, उन्होंने बढ़ाई। तो टोटल डिमांड कितनी बढ़ गई, 200, तो डिमांड 100 से बढ़ के 300 हो गई। यानी सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट क्या होता है कि जब किसी भी कमोडिटी का प्राइस कम होता है तो वो कमोडिटी अपनी सब्स्टिट्यूट कमोडिटी के कंपैरेटिवली क्या हो जाती है, सस्ती हो जाती है। ध्यान से, जब किसी भी कमोडिटी का प्राइस कम होता है तो वो अपनी सब्स्टिट्यूट कमोडिटी के कंपैरेटिवली सस्ती हो जाती है, तो लोग उसकी सब्स्टिट्यूट कमोडिटी को छोड़ के उसकी डिमांड करनी शुरू कर देते हैं। तो क्या होता है, उसका प्राइस कम होने से उसकी डिमांड जो है वो बढ़ जाती है। उल्टा भी ले सकते हैं, अगर सपोज करो कि कोक का प्राइस जो है वो शुरू में 20 रुपीज था, ठीक, अब इसका प्राइस हो गया 30 रुपीज, ठीक, अब क्या होगा, अब 30 रुपीज होगा तो कोक क्या होगी, वो अपनी सब्स्टिट्यूट कमोडिटी यानी थम्स अप, पेप्सी, मिरिंडा, फैंटा, ड्यू, स्प्राइट, उनके कंपैरेटिवली महंगी हो जाएगी। हालांकि उनका रेट चेंज नहीं हुआ, वो उतने ही हैं, पर कोक जो है उनके कंपैरेटिवली महंगी हो गई। अब लोग क्या सोचेंगे, लोग सोचेंगे कि क्या कोल्ड ड्रिंक ही पीनी है तो हम क्यों ना हम थम्स अप पी लें, क्यों ना हम पेप्सी पी लें, मिरिंडा, फैंटा ये पी लें, हमने जरूरी कोक पीनी है। तो क्या होगा, बहुत सारे लोग जो है वो कोक को छोड़ के चले जाएंगे, तो कोक की डिमांड रह जाएगी 40, तो प्राइस बढ़ा तो डिमांड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, क्योंकि जब किसी कमोडिटी का प्राइस बढ़ता है तो वो अपनी सब्स्टिट्यूट कमोडिटी के कंपैरेटिवली महंगी हो जाती है। तो लोग क्या करते हैं, लोग कहते हैं कि तू अकेली कोल्ड ड्रिंक नहीं है मार्केट के अंदर, तेरे और बहुत सारे सब्स्टिट्यूट्स बैठे हैं, ठीक है, हमने तो जरूरी तेरे को ही खरीदना है, तू अपना रेट बढ़ाएगी, तेरी डिमांड करनी बंद कर देंगे और तेरी सब्स्टिट्यूट कमोडिटीज को खरीदना शुरू कर देंगे। तो लोग क्या करेंगे, जब कोक का प्राइस बढ़ेगा तो ये सब्स्टिट्यूट कमोडिटीज के कंपैरेटिवली महंगी हो जाएगी, लोग इसकी डिमांड करनी बंद कर देंगे और इसकी जगह पे सब्स्टिट्यूट कमोडिटीज की डिमांड करनी शुरू कर देंगे, तो इसकी डिमांड जो है वो कम हो जाएगी। इसके करके भी डिमांड कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग होती है, मतलब रेट बढ़ेगा तो डिमांड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, रेट कम होगा तो डिमांड जो है वो बढ़ जाएगी, यानी कि प्राइस और डिमांड का इनवर्स रिलेशन जो है वो इंप्लीमेंट होगा, ठीक हो गया। तो ये तीसरा लॉजिक था जिसके करके जो डिमांड कर्व है वो डाउनवर्ड स्लोपिंग हुआ करती है। फोर्थ होता है, वो है साइज ऑफ कंज्यूमर ग्रुप। अब साइज ऑफ कंज्यूमर ग्रुप जो है वो क्या है, साइज ऑफ कंज्यूमर ग्रुप का मतलब ये होता है कि कितने लोग हैं जो उस कमोडिटी को यूज कर रहे हैं। मतलब अगर मैं ये कहता हूं कि मेरे हाथ में मार्कर है, इस मार्कर को परचेज करने वाले टोटल 1000 लोग हैं, तो मैं बोलूंगा कि साइज ऑफ कंज्यूमर ग्रुप इज 1000, ठीक हो गया। साइज ऑफ कंज्यूमर ग्रुप का मतलब क्या हुआ, भी उस कमोडिटी को पर्टिकुलर जिसकी हम बात कर रहे हैं उसको कंज्यूम करने वाले या उसको डिमांड करने वाले लोग टोटलिटी के अंदर कितने हैं, द
that determines the size of consumer block for that particular community. ठीक हो गया, अब क्या होगा? अब अगर किसी भी कम्युनिटी का रेट पहले से कम हो जाता है, मतलब अब किसी भी कम्युनिटी का रेट सपोज करो कि पहले कुछ प्राइस था और उसके अकॉर्डिंगली डिमांड थी, एक कम्युनिटी थी सपोज करो 100 रुपीस की, ठीक है, और उसकी डिमांड थी 10 यूनिट की, ये हमने इनिशियल पोजीशन ले ली, कम्युनिटी जो है वो 100 रुपीस की है और डिमांड जो है वो 10 यूनिट्स की है। अब क्या हुआ, अब उस कम्युनिटी का रेट जो है वो पहले से कम हो गया, ठीक है, अब उसका रेट कम होके हो गया 50 रुपीस। अब क्या हो गया, चीज पहले से सस्ती हो गई, यानी अब क्या होगा कि जब कोई भी कम्युनिटी पहले से सस्ती होगी तो बहुत सारे ऐसे लोग, आई रिपीट माय वर्ड्स, कि जब कोई कम्युनिटी सस्ती होगी तो बहुत सारे ऐसे लोग जो पहले उस कम्युनिटी को परचेज नहीं कर पा रहे थे ड्यू टू द हाई प्राइस, अब उनको लगेगा यार कम्युनिटी तो पहले 100 रुपीस की थी, अब हो गई 50 रुपीस की, 100 पे हम परचेज नहीं कर पा रहे थे क्योंकि बहुत महंगी थी, अब 50 में तो सस्ती हो गई है तो हम अब इसको परचेज कर सकते हैं। मतलब जो साइज ऑफ कंज्यूमर ग्रुप है वो बड़ा हो जाएगा, मतलब जब कोई कम्युनिटी पहले से सस्ती होगी तो बहुत सारे ऐसे लोग जो पहले उस कम्युनिटी को परचेज नहीं कर पा रहे थे अब सस्ता होने पे उसको परचेज करना शुरू कर देंगे, साइज ऑफ कंज्यूमर ग्रुप बड़ा हो जाएगा तो डिमांड भी बढ़ जाएगी। ठीक हो गया, अब देखो उल्टा, अगर 100 रुपए से वो चीज हो जाए 500 रुपीज की, अब ये होगा कि जो लोग 100 रुपीस पे उसके 10 यूनिट्स की डिमांड कर रहे थे अब कम्युनिटी हो गई महंगी, यानी अब बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो ये कहेंगे कि अब भैया बहुत महंगी हो गई है, अब नहीं हम इसको परचेज कर सकते। मतलब यानी अगर किसी कम्युनिटी का रेट पहले से बढ़ जाएगा तो बहुत सारे ऐसे लोग जो पहले उस कम्युनिटी की डिमांड कर रहे थे अब महंगी हो गई तो उसकी डिमांड करना बंद कर देंगे, साइज ऑफ कंज्यूमर ग्रुप जो है वो छोटा हो जाएगा। अगर साइज ऑफ कंज्यूमर ग्रुप छोटा हो जाएगा तो डिमांड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, तो डिमांड हो जाएगी 2। यानी क्या हुआ, जब प्राइस कम हुआ, ठीक है, तो बहुत सारे नए कस्टमर उस चीज को खरीदने के लिए आ जाएंगे। क्यों आ जाएंगे, क्योंकि पहले चीज महंगी थी वो उसको खरीद नहीं पा रहे थे, रेट कम हो गया तो बहुत सारे नए कस्टमर्स उसको खरीदना शुरू कर देंगे तो डिमांड बढ़ जाएगी क्योंकि साइज ऑफ कंज्यूमर ग्रुप बड़ा हो जाएगा। अगर रेट बढ़ जाएगा तो बहुत सारे एग्जिस्टिंग कंज्यूमर्स जो उस कम्युनिटी को परचेज कर रहे थे अब महंगी हो जाएगी तो वो भी उसको खरीदने के लायक नहीं रहेंगे क्योंकि वो उनकी कैपेसिटी से बाहर हो जाएगी, तो क्या बनेंगे, डिमांड कम हो जाएगी, क्यों, क्योंकि साइज ऑफ कंज्यूमर ग्रुप छोटा हो जाएगा। इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं, शुरू शुरू में क्या था, जो एयर कंडीशनर होते थे या जो मोबाइल होते थे बहुत महंगे होते थे, ठीक है, तो लोग उसको परचेज नहीं करते थे या बहुत कम करते थे। क्या हुआ, एसी और मोबाइल सस्ते हो गए तो बहुत सारे ऐसे लोग जो पहले मोबाइल या एसी परचेज नहीं कर पा रहे थे क्योंकि वो बहुत महंगे थे, अब रेट कम हो गए ना, अब तो सब लोगों ने परचेज करना शुरू कर दिया, यानी अब साइज ऑफ कंज्यूमर ग्रुप बढ़ गया तो डिमांड क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। मतलब प्राइस कम हुआ डिमांड बढ़ी, प्राइस बढ़ा डिमांड कम हुई, तो इसके करके भी डिमांड कम जो है वो डाउनवर्ड स्लोपिंग हो जाएगी, मतलब क्या होगा, लास्ट डिमांड इंप्लीमेंट हो जाएगा। फोर्थ रीजन जो काम करता है लास्ट डिमांड को इंप्लीमेंट कराने के पीछे वो होता है नंबर 5 पे, डिफरेंट यूजेस ऑफ अ कम्युनिटी। देखो बहुत सारी कम्युनिटीज ऐसी होती हैं जिनके नाम डिफरेंट यूजेस होते हैं, मतलब हम उन कम्युनिटीज को एक तरह से यूज नहीं करते, हम उनको बहुत तरह से यूज कर सकते हैं, ठीक है, मतलब बहुत सारी कम्युनिटीज ऐसी होती हैं विच हैव मल्टीपल यूजेस, फॉर एग्जांपल मिल्क, तो मिल्क इज अ पर्टिकुलर कम्युनिटी विच हैज मल्टीपल यूजेस। हम क्या कर सकते हैं, मिल्क को पहला यूज कर सकते हैं ड्रिंक डायरेक्टली कंज्यूम करने के लिए, नंबर
3 हम मिल्क यूज कर सकते हैं फॉर मेकिंग कर्ड, ठीक है, फिर हम खीर बनाने के लिए यूज कर सकते हैं, ठीक है, फिर हम कुछ और भी उसके एक्स वाई जेड यूजेस जो हैं वो ले सकते हैं। तो ये हमारे पास कुछ और है, जैसे मिल्क शेक वो भी ले सकते हैं, ठीक है। तो अगर सपोज करो कि मिल्क के ये 5 यूजेस हैं, ठीक है, और भी बहुत सारे हैं, तो फॉर एग्जांपल हम 5 ले लेते हैं। तो मेरे घर पे अब डायरेक्टली कंजम्पशन करने के लिए मिल्क यूज होता है 1 kg, चाय के लिए यूज होता है 1 kg, कर्ड के लिए यूज होता है 2 kg, खीर के लिए यूज होता है 2 kg, और मिल्क के लिए यूज होता है, मिल्क शेक के लिए यूज होता है 1 kg, ठीक है। तो मैं टोटल डिमांड करता हूं 1, 2, 4, 6, 7, तो मेरे घर पे एट प्रेजेंट 7 kg मिल्क जो है वो आता है, ठीक है। तो मैं डिमांड कर रहा हूं मिल्क की कितनी, 7 kg। अब यहां पे मैं लिख लेता हूं मिल्क का प्राइस और यहां पे मैं लिख लेता हूं मिल्क की डिमांड, ठीक। तो डिमांड कितनी हो गई, 7 kg। प्रेजेंटली मिल्क का रेट है 40 rupees पर केजी, ठीक है। तो मेरे घर पे 7 kg मिलता है। सपोज करो कि मिल्क का रेट हो जाए 60 rupees पर केजी, ठीक, हमें याद होगा। और मैं कहूं यार मिल्क जो है वो 40 rupees से बढ़के 60 rupees हो गया है, भैया खीर खानी छोड़ दो, ठीक है, मिल्क शेक बंद कर दो, ठीक है, जो कर्ड बना रहे थे 2 kg की 1 kg खरीदो, बस बहुत है, इससे ज्यादा कर्ड नहीं खाते, हेल्थ के लिए अच्छी नहीं होती है, गला खराब हो जाता है। तो अब मुझे चाहिए डायरेक्टली कंज्यूम करने के लिए 1 kg, क्योंकि वो तो चाहिए चाहिए, ठीक है, चाय बनाने के लिए चाहिए चाहिए 1 kg, कर्ड के लिए 1 kg, यानी प्रेजेंटली मैं मिल्क की डिमांड करूंगा 3 kg, ठीक हो गया। यानी क्या हुआ, जब किसी भी कमोडिटी का रेट बढ़ जाता है और ऐसी कमोडिटी का रेट बढ़ता है जिसके मल्टीपल यूजेस होते हैं, जब रेट बढ़ जाता है हम जो उसके बहुत जरूरी यूजेस होते हैं ना, मोस्ट एसेंशियल, जहां पे हम चीज को यूज करते हैं, हम सिर्फ उसी के लिए ही उसकी डिमांड करते हैं। जो उसके लेस इंपॉर्टेंट यूजेस होते हैं हम उनके लिए डिमांड करनी बंद कर देते हैं। हमने कहा कमोडिटी के डिफरेंट यूजेस हैं, पर जितने भी डिफरेंट यूजेस होते हैं वो सारे के सारे इक्वली इंपॉर्टेंट नहीं होते। कुछ यूजेस ऐसे होते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो लेस इंपॉर्टेंट होते हैं। जब तो चीज होगी सस्ती तो फिर तो हम लेस इंपॉर्टेंट यूजेस के लिए भी उसकी डिमांड कर लेंगे, पर जब चीज हो जाएगी महंगी फिर हम क्या करेंगे, फिर हम जो मोस्ट इंपॉर्टेंट यूजेस है उसके लिए ही डिमांड करेंगे, हम उसकी लेस इंपॉर्टेंट यूजेस के लिए डिमांड करनी बंद कर देंगे। तो डिमांड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो अब अगर यहाँ पे मिल्क की एग्जांपल नहीं लेनी, हम कोई और भी एग्जांपल ले सकते हैं, हम इलेक्ट्रिसिटी की एग्जांपल ले सकते हैं। इलेक्ट्रिसिटी के भी मल्टीपल यूजेस हैं, आप फ्रिज चला सकते हैं, एसी चला सकते हैं, फैन चला सकते हैं, कूलर चला सकते हैं, मिक्सर ग्राइंडर चला सकते हैं, वॉशिंग मशीन चला सकते हैं। अगर तो इलेक्ट्रिसिटी का रेट है कम तो आप क्या करेंगे, आप कहेंगे कोई बात नहीं, 2 लाइट ऑन है होने दो, 2-3 फैन चल रहे हैं चलने दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, इलेक्ट्रिसिटी बहुत सस्ती है। पर जब इलेक्ट्रिसिटी महंगी हो जाएगी आप क्या कहेंगे, आप कहेंगे जहां पे 2 ट्यूबलाइट यूज करनी है ना एक ही करो, और वो भी ट्यूबलाइट की जगह पे एलईडी लैंप लगवा लो, ठीक है। जो एसी है ना वो 5-star लगवाते हैं, वहां पे क्या होगा, वो लाइट की कंजम्पशन कम करता है, ठीक है, जहां पे जरूरत नहीं है वहां पे उसको बंद कर देते हैं। तो क्या होगा, जब तो इलेक्ट्रिसिटी सस्ती होगी आप इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड ज्यादा करेंगे, और जब इलेक्ट्रिसिटी महंगी हो जाएगी आप इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड कम कर देंगे। तो प्राइस कम हुआ डिमांड बढ़ी, प्राइस बढ़ा डिमांड कम हुई, तो यहां पर भी लॉ ऑफ डिमांड जो है वो इंप्लीमेंट हो गया। कहने का मतलब यह है कि डिमांड का डाउनवर्ड स्लोपिंग क्यों होती है, और हम किसी कमोडिटी को प्राइस के कम होने पर ही ज्यादा क्यों खरीदते हैं। देयर आर 5 reasons फॉर दैट। नंबर 1, लॉ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। नंबर 2, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। नंबर 3, रियल इनकम इफेक्ट। नंबर 4, साइज ऑफ कंज्यूमर ग्रुप। एंड नंबर 5, द डिफरेंट यूजेस ऑफ अ कमोडिटी। तो इसके करके डिमांड कर्व जो है वो डाउनवर्ड स्लोपिंग हो जाती है। आई होप आप
आपको लेक्चर जो है वो समझ आया होगा। कोई डाउट हो तो जरूर क्लियर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन जो है वो मिलते रहे। लाइक एंड शेयर द वीडियोस। थैंक यू वेरी मच। तो मिलते हैं अपने अगले लेक्चर में।